नमस्कार जी, कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 19 अगस्त और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे फेडरल बैंक के प्राइस मूवमेंट और इसके सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल के बारे में, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। फ्रेंड्स, अगर भारत को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2022 तक बननी है तो उसमें भारतीय निजी बैंकों के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। तो वैसे फेडरल बैंक का काम पूर्ण रूप से सोना को गिरवी रखकर के देने के आधार पर नहीं चलता, जैसा कि मन्नापुरम फाइनेंस या मुथूट फाइनेंस का काम चलता है, लेकिन फेडरल बैंक भी मुख्य रूप से सोना को गिरवी लेकर के और लोन देने का काम करता है। तो फ्रेंड्स, यह इसके लिए एक बहुत जबरदस्त बैकअप का काम करता है और इसमें पैसे जो भी निवेशक निवेश करते हैं उनके लिए एक सिक्योरिटी के रूप में देखा जाता है। और यह माना जाता है कि फेडरल बैंक अन्य बैंकों से फंडामेंटली बहुत मजबूत बैंक है। तो फ्रेंड्स, हम इसके रिटर्न की स्थिति को देखें तो आप यहां देखेंगे कि एक दिन में इसने अपने निवेशकों को लगभग 2.61% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और अगर एक वीक की बात करें तो एक वीक में इसने अपने निवेशकों को 1.47% का निगेटिव रिटर्न दिया है। अगर एक महीने की बात करें तो एक महीने पहले जिन्होंने भी इसमें निवेश किया है उनको 1.51% का मुनाफा हुआ है, लेकिन एक साल पहले जिन्होंने भी निवेश किया है उनको अभी भी लगभग 36% का नुकसान हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये रही इसके रिटर्न की स्थिति। अब इसके की मैट्रिक्स को अगर देखें तो की मैट्रिक्स है ये कि पीई रेशियो इसकी 6.90 है, पीबी रेशियो 0.72 है, डिविडेंड नहीं देती, सेक्टोरल पीई 20.51 है और सेक्टोरल पीबी 1.76 है। फ्रेंड्स, सेक्टोरल डिविडेंड यील्ड 0.87 है। अब अगर इसके फोरकास्टिंग की बात करें तो फोरकास्टिंग में आप यहाँ यह देखेंगे कि जो 33 एनालिस्ट हैं उसमें से 79% एनालिस्ट कह रहे हैं कि आप इसमें बाई कर सकते हैं और इसका आधार यह है कि करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रेंसिक वैल्यू। इस बैंक की जो रिटर्न की रही है इतिहास अभी तक वो ये रही है कि यह एफडी से ज्यादा रिटर्न देता है लेकिन डिविडेंड रिटर्न नहीं देता। अब फ्रेंड्स, इसकी एंट्री पॉइंट के बारे में बोल रहा है कि गुड टाइम टू कंसीडर एज ए स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन, तो अभी ये ओवरबॉट जोन में नहीं है, एंट्री के लिए बहुत अच्छा समय है। और इसके साथ एक बात और बता रहा है कि इसमें कोई रेड फ्लैग नहीं है, कोई खतरा नहीं है, इसमें निवेश किया जा सकता है। अब फ्रेंड्स, बात करें इसके फोरकास्टिंग की तो फोरकास्टिंग में कह रहा है कि आज का जो इसकी क्लोजिंग प्राइस है 54.90 रुपए, वहां से हो सकता है कि 32.60% का निगेटिव ग्रोथ हो जाए, यह भी हो सकता है कि 18.40% का पॉजिटिव ग्रोथ हो और यह भी हो सकता है कि 119% का पॉजिटिव ग्रोथ हो जाए। फ्रेंड्स, अगर इसे रुपीस में कैलकुलेट किया जाए तो आप यहाँ यह देखेंगे कि हमारा जो 54.90 रुपए का निवेश है वह हो सकता है कि घट करके 37 रुपए ही बच जाए और हो सकता है कि यहाँ से बढ़े तो इसकी वैल्यू 65 रुपए तक की हो जाए। और तीसरी परिस्थिति बता रही है जो टिकट टेप की रिसर्च टीम, वह यह बता रही है कि 54.90 रुपए का निवेश 120 रुपया भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी रिस्क रिवार्ड रेशियो कि हमारी जो निवेशित मनी है हो सकता है कि 118-119% का पॉजिटिव ग्रोथ हो जाए या यह भी हो सकता है कि यहाँ से 32.60% का निगेटिव ग्रोथ हो जाए। तो निवेश से पहले एक बार इन सारी चीजों को एनालिसिस करने के बाद ही आप इसमें कोई निवेश संबंधी निर्णय लेंगे। और फ्रेंड्स, अब इसके कारोबार की स्थिति को एक बार एनएससी की वेबसाइट पर देखें तो आप देखेंगे कि प्राइस में तेजी के बाद भी आप देखेंगे कि यहाँ 31,989 शेयर कि अभी बाइंग क्वांटिटी खड़ी हुई है और आप यहाँ यह भी देखेंगे कि सेलिंग क्वांटिटी नील है। फ्रेंड्स, आप इसके अगर सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन की बात कर लें तो यहाँ देखेंगे कि बहुत ह्यूज क्वांटिटी, जो क्वांटिटी ट्रेडेड हुई है वह 4,66,77,335 शेयर की हुई है और डिलीवरेबल क्वांटिटी 1,56,97,411 शेयर की हुई है। फ्रेंड्स, अगर परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की बात करें तो लगभग 34% के आसपास डिलीवरी हुई है, जो बहुत अच्छी डिलीवरी मानी जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसके ट्रेड सेटअप को देख करके और इसके ऑर्डर बुक को देख करके ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो भी इसमें निवेशक हैं उनको इसमें अपना नजरिया बुलिश लग रहा है, उनको इसमें मुनाफा होता हुआ दिख रहा है। फ्रेंड्स, अगर इसके प्राइस मूवमेंट को प्राइस चार्ट पे देखें तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं हम इसके RSI को, तो RSI की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 55 निकल के आ रही है, जो प्राइस में मजबूती के संकेत दे रही है। और अगर MACD की बात करें तो
एमएससीडी में जो बियरिश क्रॉसओवर बना है उसके जो आप जीरो लाइन के नीचे जो हिस्टोग्राम के बाढ़ है आप देख सकते हैं वो धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं, तो इसमें एक बुलिशनेस की सीन बनती हुई नजर आ रही है। और आने वाले दिनों में अगर ऐसे ही इसमें प्राइस में मजबूती आती रही तो एक बुलिश क्रॉसओवर बन सकता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से दोनों संकेत लगभग मजबूती के ही संकेत दे रहे हैं। और प्राइस में एक अच्छी बात ये रही है फ्रेंड्स, जो आपको सबसे ज्यादा नोटिस करना चाहिए कि पीछे अपने 100 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लगभग 22 जुलाई को जो तत्काल में इसने क्रॉस किया था उसकी मैं बात कर रहा हूं, तो इसने क्रॉस किया था लेकिन ये ऊपर गया था मुश्किल से 58.60 रुपए के आसपास, और वहां से इसमें एक प्राइस में रिवर्सल मुनाफा वसूली की वजह से हो गई थी। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसने जो अभी तत्काल में जो 3-4-5 महीनों के अंदर लो बना है वो 37 रुपए की बनी है, तो 37 रुपए से अगर किसी को 58 रुपए मिल रहा हो तो निश्चित रूप से वो चाहेगा कि मुनाफा बुकिंग करें। तो यहां से मुनाफा बुकिंग का एक प्रेशर आया है, लेकिन अच्छी बात ये रही है कि अपने 50 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जबरदस्त सपोर्ट पाया है। लेकिन इसके बाद फ्रेंड्स एक जो चेंजेज आया कि इसने कोशिश की है दो बार, एक बार 10 अगस्त को कोशिश किया है कि 100 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करें लेकिन नहीं कर पाया है, वहां से रिजेक्ट हो गया है। क्योंकि 100 डेज की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थी इसके लिए एक जबरदस्त रेसिस्टेंस का काम कर रही थी, लेकिन आज के दिन इसने अपने 100 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस ही नहीं किया है बल्कि इसकी क्लोजिंग भी हुई है वो अभी 100 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर हुई है। तो फ्रेंड्स यह इसके लिए बहुत अच्छी बात हुई है, और इसका असर यह होगा कि अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इसने फिर से एक बार यहां से अपसाइड की अगर मूव दिखाई तो 100 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो लेवल है जिसकी वैल्यू निकल के 54.83 रुपए आ रही है, 55 रुपए के आसपास निकल के आ रही है, वह इसके लिए एक सपोर्ट लेवल का काम करना शुरू कर देगा। और एक बार इस लेवल को पकड़ के आप ऊपर की तरफ इसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट रणनीति बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रही मेरे तरफ से एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर आप अपनी एक रिसर्च करें, आप अपनी एक स्टडी करें और इसमें एक लेवल को पकड़ के आप अपना निवेश संबंधी कोई रणनीति बना सकते हैं, लेकिन वह भी तब जब आपकी स्टडी और आपका रिसर्च इसकी गवाही दे और आपको लगे कि इसमें निवेश करना चाहिए। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।